भाषा की पहली फीचर फिल्म बुधिया रीवा सतना सीधी शहडोल सहित कई शहरों में रिलीज हो गई है। रीवा समदड़िया मल्टीप्लेक्स में रोज के दो शो दिखाए जाते हैं। बुधिया के बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज अग्निहोत्री ने बुधिया फिल्म के अभिनेता अविनाश तिवारी के साथ। आइए देखते हैं ये विशेष खबर। ब्यूरो प्रमुख चंद्रमणि शुक्ला के साथ पंकज अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, पंकज अग्निहोत्री मैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आज समदड़िया सिनेप्लेक्स में हमारे साथ हैं बघेली भाषा के लोकप्रिय अभिनेता अविनाश तिवारी जी। इनकी अभी हाल ही में फिल्म ये बुधिया, जिसका आप पोस्टर देख रहे हैं, ये रिलीज हुई है। 3 दिनों से यहाँ बुधिया दिखाया जा रहा है रीवा में, उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। कैसा लग रहा है तिवारी जी, यूट्यूब से आपको बड़े पर्दे पर आकर? अच्छा लग रहा है। अगर सपने जागते हुए देखे जाएं तो साकार होते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमका बड़े पर्दे में दिखाए कहे, पर अपने भाषा के साथ दिखाए कहे, वो जाके सपना पूरा भा। और अच्छा लग रहा है, लोगन के रिस्पांस, लोगन के प्यार जो मिल रहा है। जैसे बड़ी बड़ी फिल्मन में, जैसे ये हम भीड़ देख रहे हैं, KGF, बाहुबली 2, RR, वह स्टाइल में भीड़ बुधिया खातिर आ रही, तो हमारे चंद खातिर यह बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। पहले दिन हम भी आए थे, हमें दूसरे शो में ये बताया गया कि हाउसफुल है, टिकट नहीं मिल पाएगी, इस कारण हम वापस चले गए थे। ये आपको उसके लिए शुभकामनाएं, आपकी फिल्म हिट हो और बड़े पर्दे में आपने जो बघेली भाषा को ला के यहाँ बघेलखंड के लोगों के साथ अपनी भाषा आगे ले जा रहे हैं, उनमें आपको सहयोग मिले लोगों से। और मैम, आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस दिन से लगी है उस दिन से तो बस ऐसे ही प्यार बना रहे। और ये हमारी ही नहीं बल्कि सब लोगों की मूवी है, तो सपोर्ट करें, बस यही बोलूँगी। वरुण जी, आपसे पूछना चाहूँगा, इस फिल्म का डायलॉग सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? सलगी डायलॉग एक से बढ़ के एक। हाँ, जैसे कि पकड़ो खा, मतलब जो हमार भाषा जो धीरे धीरे विलुप्त होत रही है, जो मनी या हम पचे नहीं बता पावत रहे, हम पचे अंग्रेज होन जाइला, धीरे धीरे लड़का हमार जौन मनी ये सब न जाने पावा, तो हमारे जिनकी आशा रही है और वही का दिखावा का है। जौन कुछ और बाकी है वह आगे फिर से वह कह चुके हैं, बोलिन चुके हैं कि हम बुधिया रिटर्न में फिर और बहुत सारी चीज़ ले जो छूट गई हैं। यह फिल्म हमने देखी कल, आप और आपके जितने भी सहयोगी हैं सबने बड़ी मेहनत की है। फिल्म में जो गाने हैं वो बहुत अच्छे गाने बघेली में लगे हैं, उनके बारे में थोड़ी बताइए ना, गायक और वो आपकी टीम ने जो उसमें उसके लिए काम किया है उसके थोड़ी बारे में। हमारे यह उद्देश्य रहा कि हम बच्चे पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करे के चक्कर में अपन शिक्षा संस्कृत संस्कार सब बिसरे जाइला है, जबकि सूर्य जो है तो पश्चिम में जाके डूब जाते हैं। हमारे ये रहा कि जब हम पिक्चर बनाऊ तो हमका नदी के पार स्टाइल में बनावे के एक फोकस रहा, कि नदी के पार थीम रखे रहें कि गाना हमारी यहाँ में रही। और म्यूजिक आजकल कंप्यूटराइज सब कुछ हो चुका है, कंप्यूटर म्यूजिक बजते, लेकिन हम सारा चीज़ ओरिजिनल बजवाने हैं। अगर बांसुरी बजे तो बांसुरी ओरिजिनल है, तबला सारी चीज़ ओरिजिनल, तो हमारी यह चीज़ रहा। और लोगों का अच्छा खासा प्यार है, और एकर 3 गाना हाँ, तो पहला गाना हमारा प्रकाश चाचा गायन ही, दूसरा गाना चाचा है, हाँ दूसरा गाना हमारा छोट भाई गाय सी अभिषेक रसिक हो तो आए से आई बाहर सजनीवा वाला, और जो लोरी है वो आजा आजा निधिया रानी ओका हमारा चाचा गायन ही, जो कहें कि पकड़ो का वो गायन ही। ठीक है, आपकी मूवी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देती है, इसके लिए आप लोगों को और अपने समाज में बेटियों के प्रति जो फैला हुआ दुर्व्यवहार है उसके बारे में क्या है? क्या चीज़ की सोच बदलने चाहिए? अगर हम ये सोचे कि हम निकल के लोगन का भाई वो सच्चाई है, इसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ। ये भी ये जो विडंबनाएँ हैं बेटी को लेकर, आज तक बहुत जगह अभी भी वो हो रहा है जो पुराने में हो रहा था, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहे कि सबसे पहले अपन सोच बदले चाहिए, और हम समस्या क्या रहती कि हम जवाना सुधारे निकल पड़ी थे, लेकिन पहले हमको खुद को सुधारे चाहिए। जब हम सुधरब तब तो लोग सुधरी, भाई लोग हमारे किनाई थे हम, तो हम अगर सुधरब तो धीरे धीरे सब सुधरत जाए। और एकर जोन पटकथा लिखी नहीं, कहानी लिखी नहीं, हम उनसे मिलवावे चाहे थे, तो वो हम खुद आए हैं। अच्छा, हाँ। बड़ी बढ़िया कहानी आपने लिखी है। और दूसरी चीज़ हमारा ये उद्देश्य रहा कि अगर पब्लिक हमका देखा थी, अगर 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के हमका समय दे ले तो हम का देला है, हमारे माँ मनोरंजन के साथ मैसेज है, तो फिल्म के एक निचोड़ निकले चाहिए। आजकल फिल्म कुछ मतलब नहीं निकले, आदमी जब निकले थे तो माइक लगावे तो ई में रहा थे, चाहे अक्षय कुमार की पिक्चर हो, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे आमिर खान, चाहे सलमान खान, सबके मुँह में रहा थे,
भाई पहले तो जानते हैं, देखी तब तो पता चली, लेकिन बुधिया के क्वालिटी का है। बुधिया के मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कौनो मनई के मुँह माइक डार दे पूछे बुधिया कैसा नहीं, तो कहें कि बुधिया बहुत अच्छी है। तो ये हम आपके सबसे बड़ी पूंजी आए। तो हमारा जो थीम रहा तो जो पिक्चर के जो निचोड़ है तो वह है कि कभी कोक से मार गिराते। सबसे पहले बेटियन का बचावे चाहिए, एक लाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जब लाइन बोला तो लागत है सरकारी मुद्दा है का, दरअसल सरकारी मुद्दा ना हो, ये गंभीर मुद्दा है, हम सबके मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है हम सबके बीच में। और ये जो लाइन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पढ़ के निकल नहीं जाएगा है, बेटी बचाओ एक ही अंदर घुसे चाहिए। तब बेटी बचाओ के अंदर ही अपना हमले चली थे, तो ब्रिटेन के सबसे पहले कोख में बचावे चाहिए, एक ही बात जब पैदा हो तब बचावे चाहिए, और जब बड़ी हो तो दहेज रूपी दानों और बलात्कारी रूपी भेड़ियन से बचावे चाहिए। ई होगा बेटी बचाओ, आप आवत है बेटी पढ़ाओ के अंदर अपना जाइए। तो ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि इनका शिक्षित करा है का चीज़ कि लोग आबो गावन में है कि अगर दूर स्कूल है तो कहा था कि का करवे पढ़ लिखे वैसे तो कान के घर जाकर चूल्हा पोते का है, ठीक, जबकि घरे भले सबका सिलेंडर मिल गया हो गैस चूल्हा मिल गया, तब वो डायलॉग यह चल रहा है कि आन के घरे जावे चूल्हा पोते का है। सोच बदले चाहिए, अगर एक बिटिया शिक्षित हो तो दो परिवार शिक्षित होते, एक तो जहाँ है तहाँ और फिर जहाँ जाइए तहाँ, यह चीज़ है। ठीक है, आपकी या हमारे चैनल की तरफ से आपको ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपकी मूवी हिट हो और आपको अच्छा रिस्पांस मिले। तिवारी जी, आपके सुनहरे भविष्य का के लिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद हमारे टाइम देने के लिए। ठीक है, तिवारी।